वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं हूँ किचन में, हमेशा किचन में ही रहती हूँ। और मम्मी आज हमारे साथ शेयर करने वाली एक स्पेशल रेसिपी जो यहाँ हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा इस सीज़न में बनती है, वो है कैरी और बूंदे। तो उसकी सब्जी मम्मी बनाने वाले हैं और मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं आपसे शेयर करूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी कैसे बनाती है, तो आप लोग भी ट्राई करना, बहुत अच्छी सब्जी बनती है। आप इसको साइड में लाइक बना के काफ़ी दिनों के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, और एज अ मेन सब्जी भी यूज़ हो सकती है और साइड के लिए भी सब्जी यूज़ हो सकती है। तो ये काफ़ी दिनों तक सही रहती है, इसको कुछ नहीं होता। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। तो सब्जी के लिए यहाँ पे मैंने रख दिया है ये मेथी बॉईल होने के लिए। ये मेरा दूध भी गर्म हो रहा है और आज हमारा मन था कि हम लोग नमकीन चावल खाएंगे, तो मैंने वेजीज वगैरह काट दी। तो चावल ख़त्म हो गए थे तो मैंने चावल मंगवाए थे, तो उनको भी मैंने उसमें कंटेनर में डाल दिया था। और ओट्स भी मैंने मंगवाए थे क्योंकि सारे ओट्स मैंने यूज़ कर लिए थे कुकीज़ में। यहाँ देखिए वेदू मम्मा की हेल्प करवा रही है इसके। वो पहले पहले वाला तो हो गया ना क्लियर। हाँ भाई साहब, पुच्ची की तो पुच्ची भर दो। तो चिपचिपा तो ज्यादा था ना। तो ये है वो गूंदे जिनको 15 मिनट्स के लिए हमने बॉईल किया है। ये इनके अपने ब्रांचेस के साथ थे, स्टेम के साथ थे, तो इनको इससे अलग कर दिया। बहुत ज्यादा स्टिकी होता है ये, तो ये फिर देखिए ऐसा निकल के आएंगे। और यहाँ पे मैंने 2 चमचे ले लिया है ऑयल, सरसों का ऑयल, और ये है साथ में कैरी, एक कैरी काट ली है। और अभी पहले होगा मसाला, तो थोड़ी सी मेथी लेके मैंने बॉईल कर ली है, सॉफ्ट हो जाएगी तब आपको बंद कर देंगे और इसको इससे स्ट्रेन कर लेंगे। तो अब तड़के के लिए हम कलौंजी भी यूज़ करेंगे, और ये मम्मी ने लहसुन को अच्छे से ग्राइंड कर लिया, क्रश कर लिया है, और उसके अंदर सारे मसाले डाल दिए हैं। अकॉर्डिंगली आपको डालना है, मम्मी ने 2 चम्मच मिर्ची ली है, 2 चम्मच ही हरा धनिया, और थोड़ी तीन चम्मच सी, मिर्ची अच्छा 3 चम्मच मिर्ची ली है और 3 चम्मच ही हरा धनिया और थोड़ी सी हल्दी। तो ये पहले ऑयल को हम गरम करेंगे। ये गरम नहीं हुआ मम्मी? तो ये हमारा ऑयल आ गया है, इसमें मम्मी ने थोड़ा सा जीरा और कलौंजी डाली थी, और अब मम्मी सीधा डाल रही है मसाला, थोड़ा सा डालेंगे। हाँ अब डाल दो। ये देखिए अब इसको पकने देना है। ये थोड़ा मसाला जब पका तो मम्मी ने डाल दी ये कैरी। हाँ बेटा, ये देखिए अब इसको थोड़ा पकने देंगे हम। तो देखिए हमारा मसाला बिल्कुल पक चुका है, और ये कैरी, अभी कैरी वैसे कच्ची थी, अब हम डालेंगे इसमें मेथी डालनी है। हाँ हाँ अब डालेंगे हम मेथी जो हमने बॉईल की थी, वो ये डालेंगे मेथी। बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है ये। देखिए तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेथी ऑलरेडी वैसे भी बॉईल हो रखी है, तो ज्यादा पकाने की जरूरत है नहीं इसको। अब सीधा डालेंगे हम ये बूंदे, हम तो बूंदे बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं प्लीज मुझे बताइएगा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ये वैसे ड्राई ड्राई बनती है। सिंपल से रेसिपी है लेकिन बहुत ही अच्छी लगती है, ये इसी सीजन में होता है।
देखिए अच्छे से मिक्स हो गए। तो हमारे ये गूंदे भी ऑलरेडी बॉईल थे, तो इनको भी ज़्यादा पकाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। पानी डालना बस, कितनी देर पकाना है? बंद कर दूँ? तो ये हो गई है सब्जी रेडी। नमक डाल देता? चलो तो गाइस सब्जी बन गई है, बहुत ही अच्छी लग रही है सब्जी। तो आप लोग भी इसको प्लीज ट्राई करना, बहुत बहुत ही यम्मी सब्जी बनती है। ये इसी सीजन में होता है, उसके बाद तो नहीं मिलते। तो अभी आपको सब्जी मंडी वगैरह में सब जगह मिल जाएंगे। तो अब हम करेंगे डिनर, जो मैंने बनाया आज नमकीन चावल, क्योंकि तो हमारा रोटी खाने का मन था नहीं। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे सुबह। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो गई है मॉर्निंग और मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो मैं दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। तो आज का मेरा ब्रेकफास्ट है ये। मैंने मैंगोज और बनानास ऐड किए हैं मैंने ये ओट्स पुडिंग में, और ऊपर से ये मिक्स सीड्स और कुछ रेजिन्स, और 1 टेबल स्पून मैंने डाला है हनी। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये बॉल, और बहुत ही हेल्दी है। तो चलते हैं और करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। और ये गार्डन के साथ कितना प्यारा व्यू आ रहा है, देखिए। कल रात को बारिश आई थी तो इसलिए गार्डन इतना ज़्यादा गीला गीला दिख रहा है। आज पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो फिर। तो गाइज अभी हो गई है, अभी नाइट का टाइम है, हमने डिनर विनर कर लिया है, 10 बज रहे हैं। और आज मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि नाइट में बारिश हुई थी, तो अभी इतनी प्यारी हवा आ रही है यहाँ पे। तो मैं और मम्मी बैठे हैं, ये यहाँ बैठे हैं हम। कितना अच्छा लग रहा है, देखो ये गार्डन एरिया, यहाँ से इतनी अच्छी हवा आ रही है। अब थोड़ी देर हम लोग यहाँ बैठेंगे और फिर जाएंगे सोने के लिए। हेलो गाइस, तो मम्मी जा रहे हैं गांव और हम जा रहे हैं उन्हें छोड़ने के लिए। चलें। सो हेलो गाइस, और नेक्स्ट डे हो गया है मम्मी के जाने के बाद। मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया, और अभी हो गई है शाम, शाम के 4 सवा 4 बज रहे हैं। और मेरा वेदी को कुछ खाने का मन था, तो मैंने सोचा क्यों ना कोई क्विक स्नैक बनाया जाए। तो मैं बना रही हूँ ये सूजी के अप्पे, बहुत इजी है और बहुत जल्दी से बन जाते हैं। और अभी बारिश भी हुई है तो थोड़ा ऐसा ही कुछ खाने का मन कर रहा था। इसको क्या हो गया, थोड़े से पकने बाकी हैं, फिर उसकी प्लेटिंग करेंगे हम। और आज रात को मैं आपके साथ मैंगो की कुल्फी की रेसिपी शेयर करने वाली। बहुत इजी है, सब कुछ घर में मिल जाएगा। तो दिखाती हूँ मैं आपको कैसे कुल्फी बनाते हैं। वैसे मैं भी पहली बार बना रही हूँ, और घर पे बनेंगी तो हेल्दी तो होगी। तो फिर मिलते हैं शाम को, और अभी मैं उसको खाना खिला देती हूँ, आई मीन कुछ खिला देती हूँ। उसके बाद मेरे ट्यूशन के बच्चे आने वाले, उनको पढ़ाऊंगी, फिर बनाते हैं कुल्फी। सो हेलो एवरीवन, मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको बताया था कि मैं मैंगो की कुल्फी आपसे शेयर करूंगी, उसकी रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले 1/2 लीटर दूध ले रही हूँ, जिसको मुझे अच्छे से गाढ़ा करना है। सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें ये हम डालेंगे दूध, मिल्क 1/2 लीटर, और गैस को ऑन कर देंगे। आपको बिल्कुल सिम पे रखना है, लो फ्लेम पे। और इसके साथ मैं 1/2 कप ले रही हूँ शुगर, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और काफ़ी देर तक हमें इसको ऐसे ही स्टर करना है, जब तक कि इसका 1/3 जो इसका वॉल्यूम है ना हो जाए। जितना अभी दिख रहा है उसका 1/3 हो जाना चाहिए, बिल्कुल ऐसा थिक हो जाएगा। तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, 15-20 मिनट लग सकते हैं इसमें, क्योंकि हम लो फ्लेम पे कर रहे हैं। और लो फ्लेम पे करना, नहीं तो हाई फ्लेम में ये बर्न हो जाएगा, जलने के चांसेस रहते हैं। तो काफ़ी देर तक हम इसको करते रहेंगे। देखिए
देखिए इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो गई है और इसका जो वॉल्यूम है वो भी कम हो गया है। 1/3 हमें करना था, अब इसको हम कूल डाउन होने के लिए रख देंगे। उसके बाद क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ। अभी मैंने अमूल की फ्रेश क्रीम ली है, 250 लीटर्स, 250 ml, सॉरी लीटर गया। तो इसको हम विप करेंगे। तो अभी मैंने ये नया लिया है इलेक्ट्रिक बीटर फिलिप्स का, ये देखिए बहुत ही अच्छा है। उसके साथ ये दो अटैचमेंट आए थे, एक आटा नीड करने के लिए और एक ये विप करने के लिए। तो मैं अभी इसी से करूंगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसको खोलते हैं। ये क्रीम निकाल ली है और वेदू बीच बीच में चिल्ला रही है, तो उसको अवॉइड करना प्लीज। और अब मैं इससे करूंगी विप। तो ये देखिए मैंने कर दिया है विप इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो अब ये जो मिक्सचर है इसको हम डालेंगे ब्लेंडर में। और उसके साथ लेंगे हम ये मैंगोज, ये 1 कप के बराबर है। और इसको मैं कर लूंगी अब ब्लेंड। मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी ऐड कर रही हूँ, एक नहीं 2 टेबल स्पून के करीब, आपकी चॉइस है, ये ऑप्शनल है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो गया ये। अब इसको हम मिक्स करेंगे क्रीम में। अब इसको ऐड करेंगे हम अच्छे से। स्पैचुला से अच्छे से मिक्स करूंगी। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, मैंगोज भी कट करके डाल सकते हैं। अब इसको हम कंटेनर में करेंगे। मेरे पास एक प्लास्टिक का 8x8 कंटेनर है, मैं उसके अंदर डालूंगी। तो वो कंटेनर लेके आती हूँ मैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़े से चोको चिप्स भी डाल रही हूँ, आपकी चॉइस है ये भी। अब इसको हम लिड लगा देते हैं क्लीन करके। अब फ्रीजर में डालेंगे हम 7 to 8 hours के लिए। वे तो क्या कर रहे हो आप? तो ये नेक्स्ट डे का है, हम सुबह सुबह निकल गए थे अभी का रिजल्ट लेने के लिए उसके स्कूल। तो आते टाइम हमने सोचा क्यों ना गन्ने का जूस पिया जाए, तो हम एक जगह रुक गए और वहां पे बैठ के हम जूस पी रहे थे। बेदुले तो ये है मेरी कुल्फी जो मैंने बनाई थी कल, और अब ये रेडी है खाने के लिए। ये कुल्फी सबको काफ़ी पसंद आई थी क्योंकि इसका टेस्ट ऐसे लग रहा था जैसे हम मैंगो ही खा रहे हैं। काफ़ी स्वीटनेस भी बिल्कुल करेक्ट थी। तो आप प्लीज़ ट्राई करना मेरी रेसिपी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। होप करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सॉरी सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक करना। बाय।